अच्छा गावत वेलकम टू गोवा सिंगम आली राली आली राली पारी आली चलो 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 ढक लो ट्रायल मारने निकले तो हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू आवर चैनल एपिक व्लॉगर। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को तो मालूम ही चूंगा हम हैं अभी गोवा में जाने वाले, अभी अपन जाने वाले हैं साउथ गोवा। साउथ गोवा में क्या क्या है आप लोगों को बताएंगे। दिसंबर का महीना है, फुल क्राउड चल रहा, तो भी हमारे को कम में बम मिल रहा। हमारे को रूम भी 2000 में मिला, स्कूटी भी 300 में मिली। ये सब हमारे को एक राजेश अन्ना बोल के उन्होंने पूरा अरेंज करा रहे। अगर आप लोग भी गोवा आ रहे तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ राजेश अन्ना के पास आओ। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको कॉल करो, हर चीज़ आपको कम में बम जुगाड़ करके देंगे। हमारा नाम लो, नहीं तो हमारा नाम नहीं लिए तो भी चल जाता। राजेश अन्ना है, दिल के बहुत अच्छे, हमारे हर चीज़ कम में दिला रहे। खाना रहन दो, घूमना रहन दो, रहना रहन दो, हर चीज़। दिसंबर के महीने में गोवा कैसा रहता आप लोगों को मालूम है। तो भी हमको इतना सस्ते में रूम मिल रहा, 2300 में स्कूटी मिल रही, ये सब हमको करा रहे राजेश अन्ना। अगर आप लोग भी गोवा में आ रहे तो जाओ, यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनको कॉल करो। तो अभी अपन जाने वाले साउथ गोवा। साउथ गोवा में क्या क्या है आप लोगों को बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है अभी चांद नवाब चावड़ा। हाँ, साउथ गोवा में क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं है पूरा आपको बताऊंगा। फुल एंटरटेनमेंट करने वाले, आप भी आओ साउथ गोवा में और अपन बहुत चीज़ें करने वाले, आप भी करो। और जो हम आपको बताए कि राजेश अन्ना का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, उनको कॉल कर लो, आपको सस्ते में मिल जाता। तो चलते अपन साउथ गोवा। तो चलो अभी अपन जाएंगे, आगे का जो भी है आप लोगों को बताऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वहीं। अभी जस्ट अपन निकले और नाश्ता करें। नाश्ता इतना बेहतरीन मिला ना, पूछो न को। ये कलंगड़ रोड पे ये किंग फिशर बोल के शॉप है, मैं आपको बैक कैमरे से एक बार बताया था। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, एकदम घर के सा टेस्ट आ रहा। अगर आप लोग भी आ रहे कलंगड़ पे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आओ। ज़बरदस्त नाश्ता मिल रहा, पर प्राइस ज़्यादा है, मगर टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से बता रहा हूँ, देखो। यही छः वो रेस्टोरेंट किंग फिशर बोल के, बहुत ज़बरदस्त है। देखो यहाँ बैठने का भी अच्छा है, यहाँ पब्लिक फुल लगे तो अंदर भी जा सकते हैं। टेस्ट तो एक नंबर है, बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बता देता हूँ, ये कलंगड़ की रोड है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो किशोर बार एंड रेस्टोरेंट बोल के, तो अभी यहाँ पे अपन रुके चाय वी पीने। 70 किलोमीटर जाने का था हमारे को, अभी 26 किलोमीटर और बच के है। और एक नहीं नहीं बोलते, एक 50 मिनट तो लगता। अपन वहाँ जाने बाद आप लोगों को बताएंगे, और जो कुछ भी अगर कुछ अच्छा व्यू वगैरह कुछ दिखा तो आप लोगों को बताएंगे। अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 2 घंटे के सफ़र के बाद हम आ चुके हैं कोला बीच। बैगन के रोड़ा थे, थोड़ा शॉर्टकट बोल के हमको पूरा बैगन में मिला दिया इकला। वाह, मेरे सामने भी बीच है, आप लोगों को बताऊंगा कितनी प्यारी बीच है। देखो देख ले चुके अपना, ये कितनी प्यारी बीच है, इसको बोलते हैं कोला बीच। हम कलंगड़ में थे, कलंगड़ से या कोला बीच आए तक हमको 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे बाइक से आए, कार आ सकते मगर वहाँ से उतर के फिर पैदल आना पड़ता। मैं वही तो बेस्ट एक बोलता हूँ, स्कूटी से आओ, स्कूटी बेस्ट है। अब यहाँ पे देखो पीछे बोट है, सेल्फ बोट, छोटी एक बोट रहती वो ले ले के ऐसा यहाँ तक ये ग्राउंड मार के आना। तो अब वो करने वाले हैं अपन, वो करके आप लोगों को बताएंगे। तब तक एक बार नज़ारा देखो आप लोग कितना प्यारा है। देखो ये क्रॉस करके जा रहे हैं, तुम क्या तो साफ पानी है। ये देखो इसको बोलते बोट,
इसमें बैठ के अपन राइड करने वाले हैं। इसका चार्ज क्या रहता अपन हमक भी नहीं मालूम, एक बार जाके देख के अपन करेंगे। ये वाली बोट है जिसमें हम ही चांद बैठेंगे, लाल वाली में। लेकिन बीच बहुत खूबसूरत है, मतलब कि फॉरेन वाली वाइब आ रही है, खूबसूरत है। देख लो अपना, देख लो 2.5 घंटे का रास्ता आना वर्थ हुआ हमारे रास्ते। अभी बोट चलाएंगे, देखेंगे कैसा फील होता, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे अभी वसीम बोट की बार्गेनिंग कर रहा, दो मेंबर्स को 500 रुपये भर रहे, दो बोट आप 1000 रुपये भर रहे, कुछ बार्गेनिंग कर रहे। हमारा एक दोस्त आके करके गया, 300 में एक बोट लिया दो जनों के हाथ से, तो वही बार्गेन कर रहे। अब देखेंगे हमारे को देते नहीं देते हैं, 300 में मिले तो अच्छा है। यहाँ गोवा आ रहे तो तुम्हारा हर चीज़ में तुम्हारा बहस करना, कहीं बहस करे तो बराबर कम कर दे, 1000 बोले तो सीधा 300-400 पर लाना बराबर देते, नहीं दिए तो दूसरी जगह दूसरी दुकान जाओ, कुछ भी नहीं होता। क्या चांद, ये ब्लॉग बनाने का मतलब ही वो है कि तुम्हारे को सस्ते में फिराना पड़े, तो हर जगह बार्गेनिंग करो। अब देखो ना, 1000 रुपये बोल रहा बोट को चारों को, मगर अपन नहीं बोल रहे। अब देखो 1000 की बार्गेनिंग चल रही वहाँ पे, फाइनल रेट उन्हें क्या बोलता है देखेंगे। चलो अपन भी जाएंगे ब्लॉग ले लेंगे, वीडियो में हम तुम्हारा को क्या बांधना है, क्या रेट दे रहे बोट का बोलो। हमारा 2 people 500 है, 30 मिनट कंपल्सरी है, आपको चाहिए डाले 5 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। देखो डिस्काउंट वगैरह है नहीं है कुछ, हमारे लिए आप तुम हमारा नाम बोल के आए तो 400 रुपये ले लो। आपको तुम्हारा हमको इसका डिस्काउंट देता है, चार लोगों को। तुम्हारा नाम क्या है वो बोलो। फेमस रघु है, फेमस रघु, फेमस रघु है। देखो इनका नाम कोला, फादी में छनके को बकेट में उतार रहे अपन, देखेंगे देता नहीं देते हैं। तुम कैसा मना रहा देखो उनको, ऐसे मनाना पड़ता तुम्हारे को भी। पर गोवा के लोग अच्छे रहते ऐसा बोल के नहीं, थोड़े लोग रहते शायद 10%, मगर बाकी 90% तो बहुत अच्छे रहते। देखो कैसा मना रहा देखो इन वसीफ, अरे बीवी नहीं रहते रे भाई। हमारे फेमस है कागज नगर के फेमस चांद भाई, 700 रुपये चलो आपको। सॉरी आपको, आपको भगवान देता है, हमारा कोई देता, तुम लोग तो रहता नहीं इधर, बिजनेस कोई मिलता है। देखो अपन बिजनेस कर रहे हैं। हाँ सॉरी भाई, तो आप काम करना, 700 रुपये दे दो, तो इतना बार्गेनिंग करने बाद अन्ना हमारे मान गए, 800 रुपये में दे रहे। अगर आप लोग आ रहे तो अन्ना को देख लो, यहाँ के फेमस है कहते हो ना, फेमस रघु, इनसे मिलो, बोलो ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देखे बोल के बराबर कम करते हो नाथ बाबू। ओके अन्ना, तो चलो अपन अब बोट पे बैठेंगे और मज़े करेंगे और आपको नज़ारा बताएंगे। तो अभी यहाँ खड़े के बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये एक बोट है मगर इलोंगी नहीं होती कहते, दूसरी बोट है कहते। ज़्यादा पानी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आता बोल रहे खाली सीने तक, पानी तो बहुत साफ है और आपको नज़ारे भी भरपूर मिलेंगे। देखो अरे एक नारियल का झाड़ लग जाएंगे रे कागज नगर, वहाँ लगाएंगे प्लीज़। गोवा आने के बाद यहाँ पर नहीं आए बोले तो मज़ा नहीं आता, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू भी है और यहाँ का जो ये स्पोर्ट्स राइड है ना वाटर की, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं वसीम और अर्शद 3-4 बार आ गए गोवा, मगर पहली बार इधर आया, पहली बार। और यहाँ जो सुकून है ना देखो, यहाँ पर अपोजिट के भी होटल बहुत ही जबरदस्त, एकदम साइलेंट है, तबीयत खुश हो जा रही। क्या है आखिरी कलर है, आखिरी कलर, कलर कलर, व्हाट कलर डू यू वांट? बहुत भारी कलर, आई वांट पीला कलर। अरे टाइम बन के साथ तीरते नहीं आते ना, कोफ्ते पीले मराला। तो चलो बोट आने पर डायरेक्ट बोट में बैठ के मिलेंगे अपन। पानी कितना साफ है देखो, और तुम्हारे को खास बात नहीं मानो, इसको पेट है ही नहीं। ये गाड़ी को ना इंडिकेटर है ना हॉर्न है, बच के रह रहे भाई। ओके सलमान भाई लगा देते, अपन भी ऐसे जाएंगे चारों साथ में। रेस 3 के सलमान खान, ये नजारा देखना है मेरे को अंदर जाके।
तो बोट में बैठने के बाद आपको नज़ारे बताएंगे। ये वाले रूम्स भी है, अगर आके कोई रहना चाह रहा तो रह सकते हैं। प्राइस ज़्यादा रहता 5,000, 6,000, 10,000, अगर समंदर का व्यू होना तो 12,000-13,000 भी रहता कहते। देखो ये रूम्स, एक दिन रहेंगे अपन, एकदम क्यूट से रूम्स है, कभी आके रहेंगे चांद अपन। अब रहेंगे ना जो रूम साथ आएंगे। और ये पानी जो है मीठा पानी है, झरने का पानी है। एक बार पियो, पानी पियो। लंगा ला रहा मुता वहाँ पे, झरने का पानी है बस। सो फाइनली अपन बोट में बैठ चुके हैं। हमारे ड्राइवर साहब, आज दोनों भी ड्राइवर बने अपन, माई और चांद, सामने से बता रहा हूँ व्यू देखो। ड्राइवर साहब जान दो, ऑटो पलटा चांद, बोट पलटा। ए साहिब भाई और वसीम की बोट आने की है, हम दोनों ट्रायल मारने निकले। कोई बात नहीं कृष्णा, आराम से जान दो, आराम से जान दो, आराम से कृष्णा ना, कोई जल्दी नहीं है। देख लो ये हम बोट पे है, ये हम बोट पे है, और यहाँ के नज़ारा देखो, मज़ा तो अच्छा आ रहा। अगर आप गोवा आ रहे तो आओ एक बार कोला बीच। चांद बेचारा एक मेहनत कर रहा, मैं खाली ले लेके बैठ के हूँ यार। हान मारो, हान हान मारो, जल्दी वहां से हटो। चलो चलो पैंडल मारो, अंदर तक यूं मारे कहां से जाएंगे। कैसा दिख रहा चांद में तुम्हारे? बहुत मस्त दिख रहा है, मजा आ रही नहीं? बहुत मजा आ रही। बोट पल रहेंगे, बहुत मारा खाते नहीं पला, सीख गए। खाली ले लेके बैठ के हूँ बेचारा, निकला चला रहा था मारा। बाकी आ सीखे भाई तुम, वाह। मारो मारो इधर मारो। गए गए एक्सीडेंट खत्म। बेचारा चांद बहुत मेहनत कर रहा है। सेल्फ सर्विस है, किसी को भी बोट चलाना है या बोट सीखना है या बोट गिराना है तो मेरे को कॉन्टेक्ट करो। अच्छी चलाता हूँ, अच्छा सिखाता हूँ, अच्छा गिराता हूँ। डाल दिए अपोजिट ड्राइवर अभी चला रहा, मैं आराम से सो जाता हूँ अभी। और हमारे पट्टे भी आ गए, मछुआरे। अनाकोंडा रहता देख उधर, अनाकोंडा है देख। कोई बात नहीं कृष्णा, आराम से चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे एंड है, डेड एंड। देखो हमारे पट्टे भी आ गए। मार दो मार दो, कुछ भी ना था मार दो। क्या मछली मिली? क्या है वो? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाकेंगे। चल आगे चल, चलो पलटा ऑटो पलटाओ। आराम से आराम से। हाय बोलो, हाय ब्रो वसीम, कैसा दिख रहा बोट चला के? बहुत मजा आ रहा, हम खाली कूदने वाले हैं, बहुत मजा है। कूदेंगे डॉल्फिन के साथ आ जाओ। ओ वाओ, ऑटो पलटा सलीम, ऑटो पलटा। पानी नहीं है, टेंडर डरने की बात नहीं है। देखो यहाँ से फतर दिख रहा, मैं उतर गया हम पानी में से। देखो पानी नहीं है, और ये हमारे चांद भाई बोट चला रहे, चांद भाई। और ये हमारा वसीम है। हाय जैक्सन, हाय हाय जैक्सन, हाय गोरे ऑस्ट्रेलियन।
ये बच्चा अफ्रीका से ला लिया इसको। अरे ठहर रहे अरे छोड़ के जा रहा है। चलो 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 ढक लो। लो ढकल रहा मैं बड़ों तरफ से पुड़ते हैं। वाह 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 वा। देखो मेरा ड्राइवर को उतार दिया मैं नीचे। चांद बढ़िया चांद बढ़िया। अरे क्या रिलैक्स जगह पे रुक रहे हैं। साइड में लगाओ साइड में लगाओ। मुझे भाई रहना था यहाँ पे के पलटा देता था मुझे। कैसा लिए कैसा लिए कैसा लिए कैसा लिए जल्दी वहां से हटो। बट थैंक यू थैंक यू। जान दो जान दो। प्रभु बोर्ड में चप्पल घुस गया रे। पले पले चाय 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 मीठा पानी मीठा पानी। हेलो सलीम अंदर आओ ना। सलीम बाहर आओ ना साहेब। क्यों आए बाहर आओ ना साहेब। मजा नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हो यार। हम भाई चौदह नंबर और छोड़ते हैं मार्केट मैनाटी चालीस देता हूँ चालीस चालीस भाई मैनाटी जान दो भाई मैनाटी। चलो तीस रुपये देता हूँ। पलटा पलटा ऑटो पलटा। तो आप लोग देखे चुके अपन कैसा एंजॉय कर रहे हैं और देखो हमारे पीछे भाई मार्केट यहाँ पे फुल मजा आ रहा है। एक एक माल ले रहे पूरे। जल्दी वहां से ऑटो। एक कतले के सूरत कौन सी सूरत के कतले के ये तो रिलैक्स कर लेते जा रहे अपन तीनों चार। अरे नहीं जगह है। बहुत जगह है। अरे नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। कैसे देख रहा हूँ सिम जान तो भरपूर मजे ले रहा और लोगों को मजे दिला रहा। नहीं मेरा ड्राइवर परफेक्ट हो गया हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं आज। मेरा ड्राइवर सुंदर है। अरे गोर के गोरा माला देखने परेशान है। ले लो रे ले लो। आइचा गावत वेलकम टू गोवा सिंगम आली राली आली रे आली मेरी बारी आ गई। हां ओ मां गुरु चला रहा रे इधर आ। मैं बराबर चला चला चल जल्दी जान दे इन लोग के पास। तेरे नाम परदेसी परदेसी जाना कीकर काटा में लेके जा रहा। चल 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 भगा अर्चन। अरे अरे उल्टा कहीं को ले रहा। अरे सामने अर्चन के पास आज जा आवाज आती
रुक रहे रुक, एक मिनट चांद भाई बोलते हैं एपिक व्लॉगर 2022 खाली बचो आप अरे बोल रहे वो ले रहे गाड़ी पलटा रे चार गाड़ी पलटा अरे गाड़ी पलटा अरे तू गाड़ी पलटा रे हमारा वो गया बे दो सर से विपद मारते रे गाड़ी पलटाना रहे तो नहीं नहीं रुक रुक रख माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे मम्मी बाटी है हम तो माल पिएंगे सो फाइनली हमारा राइड वगैरह हो गया अपन स्विमिंग भी कर लिए उसमें जाके थोड़ी देर बहुत मजा आया गोवा के समंदर में तीरे तो पूरा हो नमक नमक आता था मुंह में मरे मीठा पानी था बहुत मजा आया कैसा दिखा वसीम तेरे को जबरदस्त बोले तो जबरदस्त मजा साउथ गोवा का मजा ही अलग है नॉर्थ गोवा जाते लेकिन साउथ गोवा है तो मजा मालूम होता आगे में रशियन है पता आगे रशियन देखो आप ये बीच देखो कितनी प्यारी है अरे तू चल रहा है आप लोग देख सकते कितनी प्यारी बीच है और ये देखो झाड़ा वाह सो फाइनली कोला बीच से अपन निकल गए अब अपन जाएंगे दूसरी जगह रास्ते में और कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे अगर अब तक ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो और ये बीच कैसा दिखा कमेंट करके बताओ तो लंच टाइम हो गया तो अपन कोला बीच से आ गए और मंगा लिए अपन क्या है रे वसीम फ्राइड राइस मंगा साहिब भी फ्राइड राइस साउथ भी फ्राइड राइस मंगा लेकिन मैं दो फुल के रोटियां और हैदराबादी चिकन और टेस्ट कैसा है वसीम अच्छा है खा सकते साउथ टेस्ट कैसा है एवरेज है वही बात होगी टेस्ट कहाँ है बोलते टेस्ट वहाँ है बोलना पड़ता आपने तब ये खाऊंगा खाने के बाद आपको बताएंगे हम अगोडा बीच ठीक है डायरेक्ट अपन अगोडा बीच पे मिलेंगे तो खाना खा लिया अपन खाना खा लेने बाद अपन कहाँ है चांद भाई अगोडा बीच बहुत प्यारी बीच है हमारे सामने है बिल्कुल आप भी वो नज़ारे लो ये साउथ गोवा में आता और ये इसको देखो और इंजॉय करो आओ चांद बहुत ही सुकून की बीच है नहीं सुकून की बीच तो मैं देखा कि नहीं वो बागा कलंगूट कहीं रहते ये बहुत सुकून है साउथ जोन सुकून की बीच है नॉर्मल फैमिली के साथ आ सकते हैं फ्रेंड के साथ आ सकते हैं अच्छा चिल कर सकते तो ये ब्लॉग को यही चेंज करेंगे अपन तो आज हम गए थे साउथ गोवा के कोला बीच और अगोडा बीच बहुत सारे लोग क्या करते बोलते नॉर्थ गोवा आते हैं खाली घूम लेके चले आते एक बार साउथ गोवा भी आओ साउथ गोवा के बीचेस भी एंजॉय करो क्या बोलते साउथ गोवा का क्राउड एकदम जबरदस्त रहता है यहाँ पर पूरा पीसफुल एरिया है सुकून से एंजॉय कर सकते जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे थे देखो हर एक स्पॉट अलग अलग है नॉर्थ गोवा के क्या है अपने बीचेस अलग है और साउथ गोवा के बहुत अलग है अगर आप लोग प्लानिंग बना रहे साउथ गोवा के आने की तो पहले नॉर्थ गोवा एंजॉय कर लो फिर दो दिन पहले इधर आके साउथ गोवा में एंजॉय करके यहाँ से चले आ सकते नज़दीक भी गिरता आप लोग और चांद भाई आप कुछ बोलना चाह रहे बहुत अच्छा है इतना अच्छा गिटार बजा रहा तो सोचो कितना सुकून का बीच है हमारा अगोडा बीच और कोला बीच तो कंपलसरी आना और बहुत बीच है और भी बहुत बीच है हम आपको बताएंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में लेकिन कोला बीच तो कंपलसरी आओ साहिब भाई कुछ बोलेंगे आप अपनी अपनी स्कूटी ले लो रेंट पे कार ना खोलो कार ले तो दिमाग खराब
बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाइक लेके आओ, मस्त सुकून से आ सकते हो, सुकून से जा सकते हो। कार रहे तो क्या है बोलते हो, बीचेस थोड़े अंदर अंदर है, आप लोग एंटर नहीं कर सकते। स्कूटी बेस्ट है, बड़े बाइक का भी मतलब स्कूटी लो, इंजॉय करो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।